खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कोटा से मिल रही है। कोचिंग छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड किया। जेईई की तैयारी कर रहा था छात्र जिसने मौत को गले लगा लिया। महावीर नगर थाना पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक छात्र बिहार का निवासी बताया जा रहा है। तो सुसाइड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कोचिंग सिटी कोटा से, जहाँ सपने लेकर आते हैं स्टूडेंट लेकिन मौत को गले लगा लेते हैं। और ये मामले अब नहीं थम रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो चला है कि आखिर कब इन पर ऐसे मामलों पर कमी आएगी ऐसे मामलों में, क्योंकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले नहीं थम रहे हैं। एक और केस सामने आया सुसाइड का कोटा से ही, जहां पर जेईई के स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया फंदा लगाकर। शनिवार यानी कि कल देर रात की ये घटना बताई जा रही है। और इस सुसाइड की घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि किन कारणों के चलते ये कदम स्टूडेंट ने उठाया। और शाकिर इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। शाकिर, जरा बताएं दर्शकों को कि आखिर क्या वजह सुसाइड के इस कदम के पीछे बताई जा रही है पुलिस की कार्रवाई में। जी देखिए, अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस तरह से कोटा में लगातार सुसाइड के मामले होते हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में स्टूडेंट के अवसाद में आकर, स्ट्रेस में आकर के आत्मघाती कदम उठाने के मामले सामने आते हैं। ये जो मामला है, ये बच्चा जो है माइनर है, 17 साल इसकी उम्र है और कोटा में करीब 2 साल से ये महावीर नगर इलाके में एक पीजी में रह रहा था और वहीं पर कल रात को जो है इसने सुसाइड किया है। हैंगिंग इसने किया है, खिड़की पे जो है इसने फंदा लगाया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। जब दरवाज़ा इसके कमरे का खटखटाया गया तो दरवाज़ा नहीं खुलने पर जो है जो साथी छात्र थे उन्होंने कोचिंग पीजी संचालक को बताया और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो है जब देखा मौके पर पहुंचकर तो वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, परिजनों को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक अभी कोई सुसाइड नोट या कोई अन्य ऐसा कोई दस्तावेज उसके कमरे से नहीं मिला है जिससे कि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। अब परिजन जो है कोटा पहुंचेंगे, उसके बाद ही जो है परिजनों से बातचीत के बाद पुलिस इस पूरे मामले पर जानकारी देगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो एक बार फिर जो है कोटा में, क्योंकि कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम जो है जिला प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब 19 तारीख से एक बार फिर से गेटकीपर अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हॉस्टल्स में जो लोग काम करते हैं, हॉस्टल का जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई बच्चा अगर स्ट्रेस में रहता है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। शाकिर, कैंपेनिंग की जा रही है, जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके तमाम जो प्रयास हैं वो धरातल पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस पर प्रशासन पुलिस की टीम क्या कह रही है और इसके अलावा जो क्लासमेट्स हैं स्टूडेंट के या फिर पेरेंट्स हैं उनकी ओर से क्या बताया जा रहा है? शुरुआती वजह क्या मानी जा रही है? क्या तनाव था, डिप्रेशन था या कुछ और कारण? जी देखिए, इस मामले में अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये बच्चे, इसकी उम्र जो है 17 साल है, ये इसने अभी ये एग्ज़ाम में शामिल हुआ था या नहीं हुआ था इस बारे में भी कोई जानकारी पुलिस ने अब तक नहीं दी है। परिजन क्योंकि बिहार में रहते हैं, बिहार से वो कोटा पहुँचेंगे, उसके बाद जो है परिजनों से जब बातचीत होगी तभी इसमें पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से कोटा में जो मामले सामने आते हैं उसमें ज़्यादातर कारण जो है बच्चों में तनाव की वजह सामने आती है। हालांकि जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसका कई बार असर भी हुआ है। पुलिस ने जो है सोशल मीडिया पर से एक टाई अप किया है जिसके तहत जो भी बच्चा सोशल मीडिया पर सुसाइड से संबंधित या स्ट्रेस से संबंधित कोई पोस्ट डालता है तो पुलिस की टीमें वहां पर लगातार पहुंच जाती है, बच्चे की काउंसलिंग कराई जाती है। ऐसे मामलों में कई बच्चों की जान भी पुलिस ने बचाई है। लेकिन ये जो मामला है इसमें अब क्या निकल करके सामने आता है, परिजन किस तरह की जानकारी देते हैं और पुलिस को उसके रूम से और क्या तथ्य मिलते हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं, इस बारे में जो है पुलिस जानकारी देगी। आज जो है मृतक छात्र जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पुलिस, महावीर नगर थाना पुलिस जो है कल रात से ही इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले की। हालांकि कारण क्या रहे हैं ये अभी पता लगाने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अली, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए।